जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, 9th क्लास चैप्टर नंबर 10.3। इसमें कहा, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। देखो यहाँ पे बता रहा हूं, सबसे पहले कि आपको क्या करना है, एक वृत्त जो दे रखा है, आप एक वृत्त कोई भी रेडियस लेके इसको ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी रेडियस लेके इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे जैसे बना रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रचना। जिसने बोला रचना के पद लिखने के लिए कहता है, तो रचना उसी पॉइंट के हिसाब से हम लिख देते हैं। जैसे मान लो हमने 3 पॉइंट आसंद्रे की पॉइंट हमने इसकी चाप पे ले लिए, 3 पॉइंट लेने के बाद हमने क्या करा, इनको मिला दिया, इन पॉइंट के नाम ए बी और सी नाम दे देते हैं। ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया। अब ए बी का लमसम विभाजक करेंगे, लमसम विभाजक करने के बाद क्या होगा, जहां ये पॉइंट काटता है इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर बी सी का लमसम विभाजक करेंगे, जहां ये कट लगता है वो इसका सेंटर होगा। क्या होगा, इसका सेंटर होगा। इस तरीके से हम बता पाएंगे उसका सेंटर कहां है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने थ्योरम 10.5 बताई थी, इसमें बताया गया था कैसे तीन अलग अलग पॉइंट से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और उसका सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को, अपने जानकारी में इस क्वेश्चन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए।